राधे कृष्ण दोस्तों, जब हम मंत्र जपते हैं तो वो सीधे मन पे प्रहार करता है, और जब हम पद गायन लीला गायन करते हैं तो मंत्र को जगह मिलती है जीने की, लेकिन फिर भी मरेगा नहीं मन। पर निरंतर मंत्र और नाम मन को मरने को मजबूर करता है, इसलिए मंत्र और नाम में मन नहीं लगता। आप देख लेना, जहाँ मंत्र नाम जप करने लगोगे तब मन जलन पैदा करेगा। पर एक ही मंत्र या एक ही नाम होना चाहिए, अलग अलग विभिन्न प्रकार के मंत्र और अलग अलग प्रकार के नाम नहीं चलेंगे। मंत्र और नाम एक ही रहना चाहिए, और जे ही इसका निरंतर जाप होने लगे तो मन तुरंत आपको विचलित कर देगा। ऐसी ऊर्जा पैदा होगी कि वो मन घबरा जाएगा। जब से ही मन का नाश होता है, और कोई आज तक ऐसी साधना नहीं बनी जो मन को मार सके, इसलिए इसका एक ही उपाय है, मंत्र या नाम जप। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐलान कर दिया कि अन्य बाकी सब साधन शून्य है और नाम अंक है। जैसे अंक के पास शून्य रखो तब ही शून्य की कीमत बढ़ती है, वरना शून्य तो शून्य ही रहता है। ऐसे ही नाम हटा दो तो बाकी सब साधन शून्य है। नाम रूपी साधन में इतना सामर्थ्य है कि हर जगह संसार में या भगवत पद में उसका फल 10 गुना अधिक होने लगता है। संसार में भी हर वस्तु की प्राप्ति के लिए नाम पर्याप्त है। अब चाहे वो धन की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, और भगवत पद में वैराग्य की प्राप्ति हो, वो सब नाम अकेला प्रदान करने में पर्याप्त है। इतना सामर्थ्य नाम रखता है। इसलिए सभी साधना का सार है निरंतर नाम जपने का अभ्यास हो जाना। प्रायः मित्रों, नाम जपना वो भी निरंतर, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो, नाम जपो राम जपो राम जपो बावरे। अर्थात अरे बावरे, तुम राम नाम जपो, पर यदि नाम जप नहीं किया तो धाम तीर्थ गंगा स्नान अमृत पान करके भी तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अमृत भी विष बन जाएगा यदि वो बिना नाम रटे पिया जाए तो, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसलिए सबका, सभी साधनाओं का नाम है सार। नाम में जितनी ताकत शक्ति है वो किसी और साधना में नहीं है। इसलिए धीरे से एक माला हर महीने बढ़ाते जाओ। मानो 4 माला आप करते हैं तो 1 महीने बाद धीरे से और 1 माला उसमें बढ़ाओ। फिर ऐसे मन नाम को 24 घंटे सह जाएगा ना, तो मन साक्षात श्री कृष्ण बन जाएगा। प्रायः मन श्री कृष्ण ही है, लेकिन जिस समय संसार का चिंतन खत्म होके केवल भगवत चिंतन चलेगा तो नाम श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, इंद्रियाना मन शास्य, अर्थात इंद्रियों में मन मैं हूँ। ऐसे एक क्षण के लिए भी नाम ना विसरे तो सब अंतःकरण कृष्णमय हो जाते हैं। बुद्धि, चित्त, नित्त, मन, प्राण सब कृष्णमय हो जाते हैं। फिर ऐसे ही निरंतर नाम जपने का अभ्यास धीरे धीरे सहते सहते जपे। 1 घंटा निरंतर नाम जपते हो तो उसी में धीरे से 10 मिनट और बढ़ाओ। ऐसे धीरे धीरे मन को नाम को सहने के लिए मजबूर करो। फिर धीरे धीरे ऐसा बनाओ खुद को कि आप कार्य करते हुए, सेवा करते हुए निरंतर नाम रटे। इसलिए सबसे पहले सबका सार नाम है, ये बात दिल दिमाग में बैठा लो। इसलिए अगर नाम चलता रहा तो सब बात बनेगी। नाम निरंतर जिभ्या से चलने लगे तो आप सिद्ध हो गए, ये बात कल ही हमने आपको बताई थी। जैसे जिभ्या से निकल रहा है राधे श्याम राधे श्याम, तो मानस पटल पे भी राधे श्याम अंकित होना चाहिए। श्रवण इंद्रिया सुने राधे श्याम, और अगर ऐसा होने लगा तो उसका परिणाम होगा कि नाम के जगह रूप आने लगेगा, और जहाँ रूप आया तो कभी कभी रोना आएगा, रोमांच हो जाएगा, वो अनंत की दशा आएगी, और अनंत की दशा आई तो संसार से राग खत्म हो गया और वो प्रेमी भगवान में विलीन हो गया। नामे रुचि समुद्कंठा नाम गाने सदा रुचि अव्यर्थ कालत्वम, अर्थात एक क्षण भी समय नाम से अलग ना जाए। इतनी रुचि होनी चाहिए जैसे भोजन में रुचि होती है ना कि वाह वाह आज खाने में क्या है, वैसे ही नाम में रुचि आनी चाहिए। और ये रुचि नाम में आ गई तो बेपरवाह हो जाओ, बहुत बड़ी सिद्धि आ गई। जिसको नाम में रुचि आ गई उसकी सब बात बन गई। शुभम भवतु, कल्याण मोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।